बट अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ याद नहीं आता है, तो ये री एंट्री की सीक्वेंस है। क्या ये मतलब लोग बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया है और आपको मालूम नहीं है? हाँ, रोली रास्ते में बहुत ही परेशान सी जा रही थी और तभी अचानक आर्यन की गाड़ी से टकरा जाती है। लोग हल्ला करते हैं वहाँ पे और आर्यन उसे यहाँ साथ में ले आता है भारद्वाज परिवार में, और माता जी की जो धर्मशाला है उसमें वो भी एक शामिल हो जाती है। जी हाँ, रोली ही है और रोली का ये वॉइस ओवर भी जाता है कि जिस घर से मैं भाग रही हूँ वापस उसी घर में आ गई, और वो भी सिद्धांत की बाहों में। सॉरी, आगे क्या दिखेगा सीरियल? जैसा कि हम लोग कहते हैं ससुराल ट्विस्ट एंड टर्न्स का है, तो अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। अभी आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ड्रामा, वही होने वाला है। क्या बोलते हैं घर में लेके आए रोली को उठा के, वो जो सब लोग देख के मतलब हैरान है? नहीं, रोली को कोई देख नहीं सकता, रोली बुरखे में है तो रोली को कोई देख नहीं पाएगा। रोली को देखने देख पाएगी सिमर, ऑब्वियसली सिमर और अमर और कैलेंडर, वो लोग जाके उसे देखेंगे एंड आगे की स्टोरी मतलब वहाँ से उसे घर से भगा देंगे वापस से, ताकि किसी को पता नहीं चले कि रोली जिंदा है। क्योंकि अगर आर्यन को पता चला कि रोली जिंदा है तो आर्यन उसे मार देगा, क्योंकि उसके बॉस ने उसे कहा है कि रोली की जान ले लो। दर्शकों को बस यही कहना चाहेंगे कि देखते रहिए ससुराल सिमर का मंडे टू सैटरडे ऑन कलर्स।